नमस्कार दोस्तों, वुमेन प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला बेहद ही रोमांचक हुआ। मुंबई इंडियंस की टीम को 12 गेंदों पर चाहिए थे जीत के लिए 21 रन। फिर जो ड्रामा हुआ उसके बाद सभी फैंस का पैसा वसूल हुआ। तो कौन सी टीम ने फाइनल मुकाबले में आखिरी ओवर में बाजी मारी, बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आप इन दोनों टीमों में से किस टीम को सपोर्ट करते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, वुमेन प्रीमियर लीग का आज आखिरी यानी कि फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच खेला गया, जहां दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के एक तरफा विकेट गिरते चले जा रहे थे। और दिल्ली की टीम ने 20 ओवर में 131 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से कप्तान लेनिन ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए और मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से हैली मैथ्यूज और वोंग ने 3-3 विकेट चटकाए। और फिर जवाब में 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम की शुरुआत भी बेहद ही खराब रही। लेकिन हरमनप्रीत कौर और नेट स्कीवर ब्रंट के बीच अर्धशतक या पार्टनरशिप हुई और मुंबई इंडियंस की टीम की इस मुकाबले में वापसी हुई। लेकिन हरमनप्रीत कौर रन आउट हो गई, जिसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम फिर से इस मुकाबले में लड़खड़ा गई और आखिरी दो ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी। लेकिन नेट स्कीवर ब्रंट और अमीला केर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर में ही मुंबई इंडियंस की टीम की जीत की उम्मीदों को जगा दिया और 20वें ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल कर ली। और इसी के साथ वुमेन प्रीमियर लीग की पहली विजेता मुंबई इंडियंस की टीम बन चुकी है। तो दोस्तों, आप मुंबई इंडियंस के किस खिलाड़ी के बहुत बड़े फैन हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।